हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट प्रवेश सिंह। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ भाई, वो वीडियो ऑन डिमांड है। अब वीडियो ऑन डिमांड इसलिए है क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया मेरे चैनल पर और उसका कहना था कि सर, आप हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत वीडियो लेकर आते हो लेकिन आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई वीडियो नहीं लाते। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मतलब इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश मीडियम का कंटेंट लेकर आया हूँ, वो भी बीए फर्स्ट ईयर का। तो आइडियो भरत जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आप एक ऐसे वीडियो को तलाश कर रहे थे जो इंग्लिश मीडियम के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब निश्चित ही आपके लिए मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या लिखा हुआ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। यानी कि पुराने समय में, यानी कि एंशियंट टाइम पर हमारे यहाँ क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या हमारे यहाँ साइंस था एंशियंट इंडिया में। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हिंदी मीडियम का वर्जन में ऑलरेडी लेकर आया हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर हिंदी मीडियम भी देख सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम दो तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला मैं आपके लिए बताता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ में मैथमेटिक्स के बारे में कि एंशियंट टाइम पर मैथमेटिक्स किस तरह से हमारे यहाँ चलता था। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स अभी आया हुआ है, कुछ 100, 200, 300, 400 साल पहले से आया हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स जो है ये हज़ारों साल पहले से है दोस्तों, और ऑफकोर्स हमने मैथमेटिक्स पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैथमेटिक्स कॉल्ड बाय द जनरल नेम ऑफ मैथमेटिक्स विच इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो मैथमेटिक्स जो है उसको जनरली मैथमेटिक्स ही बोलते थे, बट इसके बहुत सारी ब्रांचेस थी। लेट से ज्योमेट्री का यूज़ होता था, एल्जेब्रा का यूज़ होता था, मैथमेटिक्स का ही यूज़ एस्ट्रोनॉमी में होता था और एस्ट्रोलॉजी में होता था। आई होप आपको एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा। आगे बात करते हैं अरिथमेटिक जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी मैथमेटिक्स की काइंड ऑफ ब्रांच है। तो इस कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, अरिथमेटिक्स को कई नामों से जानते थे एंशियंट टाइम पर, जैसे लिखा हुआ है पट्टन मैथ। अब इसका मतलब क्या है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ब्रैकेट में आपके लिए, कैलकुलेटिंग ऑन बोर्ड, बोर्ड पर जब गणना की जाती है, दैट इज़ पट्टन मैथ। अरिथमेटिक एक और वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि अरिथमेटिक एक और मीनिंग होता है, दैट इज़ कैलकुलेटिंग विथ नंबर्स, नंबर्स के आधार पर कैलकुलेट करना। ज्योमेट्री का मतलब होता है लाइन वर्क्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज़ पहले के टाइम पे होता था। तो आपके लिए क्वेश्चन आता है यूनिट 4 से, और डेफिनेटली आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग सेकंड पैराग्राफ की। अब यहाँ पर क्या लिखो सेकंड पैराग्राफ में कि इंडिया जो है ये, इसके पास बहुत ही पुराना हेरिटेज है। किस चीज़ का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। हेरिटेज का मतलब होता है दोस्तों विरासत, यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश में पुराने समय से ही टेक्नोलॉजी और साइंस रहा है। डिपेंडेंस ऑन नेचर कैन बी रिमूव्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो नेचर पर जो डिपेंडेंस है उसको खत्म किया जा सकता है किस पर? साइंस पर डिपेंड होकर। यस दोस्तों, और पुराने समय में यही होता था हमारे यहाँ, हम नेचर पर भी डिपेंडेंट थे और हम साइंस पर भी डिपेंडेंट थे, लेकिन हमारा जो नेचर और जो साइंस का कंसेप्ट था वो आपस में क्या था? इंटरलिंक्ड था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है आगे? इन एंशियंट इंडिया रिलीजन एंड साइंस वर्क क्लोजली विथ ईच अदर। मतलब एंशियंट टाइम पर इंडिया में रिलीजन और उसके साथ साइंस दोनों एक साथ काम करते थे। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोनॉमी की बात कर लीजिए, उसमें रिलीजन के कंसेप्ट्स भी आते हैं और साथ में उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की ही बात करें तो उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, दैट ऑल द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है एंशियंट टाइम पर उनको डिस्कस, उनको समझ सकते हैं बाय लुकिंग द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट आपके लिए एस्ट्रोनॉमी। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था वो पॉइंट यहाँ पर आ गया है, एस्ट्रोनॉमी। क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रोनॉमी हैज़ मेड अलॉट ऑफ प्रोग्रेस। एस्ट्रोनॉमी ने डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस की हुई है। अगर हम बात करें ज्योतिष वेदांग की, हम बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें ज्योतिष वेदांग करके आता है, तो उसके जो टेक्स्ट हैं, मतलब उससे संबंधित जो बुक्स हैं, उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से जो एस्ट्रोनॉमी है वो काम करती है। इसमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम आता है, डेफिनेटली आप उनका नाम सुना भी होगा आपने, दैट इज़ आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो हैं ये 499 AD के आसपास थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को सबसे ज़्यादा वेटेज दी और एस्ट्रोनॉमी इनके वजह से ही दुनिया भर में फैली।
तो इनकी एक किताब का नाम है आर्य भटिया। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में MCQs आएंगे, तो उस बेसिस पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसी कीवर्ड्स ध्यान रखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में MCQs में आएँ और आप सही कर सकें। लेट से आपसे पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट की बुक का नाम क्या है, तो यू मस्ट नो कि आर्यभटिया जो है वो आर्यभट्ट किताब का नाम है। तो इस आर्यभटिया किताब में 121 वर्सेस मेंशन थे दोस्तों, और इसमें इन्होंने सारा का सारा कैलकुलेशन दिया हुआ था, एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन दी हुई थी उन्होंने, उन्होंने मेथड्स बताई हुई हैं आर्यभटिया में एक किस तरह से प्लैनेट्स की पोजीशन होती है इन द यूनिवर्स। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सन का, मून का, और साथ में इन्होंने इलिप्स का भी कैलकुलेशन किया हुआ है। तो एज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है आर्यभटिया। बात करते हैं हम लोग आर्यभट्ट की कुछ और चीज़ों के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इलिप्स। आर्यभट्ट ने इलिप्स का रीज़न बताया हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हेयर कि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि पूरा हमको जो मिला हुआ है वो वेस्टर्न कल्चर से मिला हुआ है और हम लोग कुछ नहीं जानते थे ग्रहण वगैरह के बारे में, मतलब इलिप्स के बारे में, तो दैट इज़ रॉन्ग दोस्तों। आर्यभट्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि इलिप्स जो होता है उसके पीछे कारण क्या है, मतलब सूर्य ग्रहण के पीछे कारण क्या है। तो बताते हैं क्या बोलते हैं वो कि अर्थ इज़ ए स्फीयर, अर्थ एक गोला है, अर्थ बिल्कुल गोल है, एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब वो बोलते हैं कि जब अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, मतलब जब अर्थ जो एक गोला है जब उसकी छांव मून पर पड़ती है, तो इट कॉजेज ए लूनर इलिप्स, तो लूनर इलिप्स होता है। और जब मून फॉल्स ऑन द अर्थ, और जब मून की छाया अर्थ पर पड़ती है, तो सोलर इलिप्स होता है। तो मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब मून की छाया अर्थ पर पड़ती है, और जब अर्थ की छाया मून पर पड़ती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये आर्यभट्ट ने प्रूफ किया हुआ है। तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट रखना है आर्यभट्ट का ये पूरा कंसेप्ट, ये पूरी बातें। अगर आप ये चीज़ें लिख कर आते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आप गारंटी समझ लीजिए। बात करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों की। आगे लिखा हुआ है कुछ और चीज़ें कि जो ऑर्थोडॉक्स थ्योरी होती हैं, मतलब कुछ ऐसी थ्योरी भी तैयार हैं, कुछ ऐसी थ्योरी भी बन चुकी हैं, ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई हैं, जो बताती हैं कि प्लैनेट जो हैं उनको डेमन, डेमन मतलब होते हैं दानव, प्लैनेट को दानव जब निगल लेता है तो उस वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो ऐसी थ्योरी भी मानी जाती हैं, ऐसा हमारे धर्म में भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब ये क्या है, पुरानी व्यवस्थाएँ हैं, पुरानी मान्यता हैं, साइंस इसको बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं करता। बात करते हैं हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर की जो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ नदर देन बारा मिहिर। उनका नाम क्या है, बारा मिहिर। तो बारा मिहिर की किताब का नाम है पंच सिद्धांतिका। दोस्तों इस किताब का नाम आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि पंच सिद्धांतिका से मतलब जिसमें पांच तरह के स्कूल्स की बात की है ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब स्कूल से मतलब यहाँ पर है दोस्तों थॉट, स्कूल से आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि स्कूल्स का मतलब बेसिकली जो स्कूल्स होता है वो नहीं है, नो, इसका मतलब होता है थॉट। तो पांच तरह के जो थॉट्स हैं एस्ट्रोनॉमी के वो पंच सिद्धांतिका में मेंशन है। तो सिमिलरली आर्यभटिया जो बुक है आर्यभट्ट की वो आपको नाम याद होना चाहिए, इसी तरह से आपको बारह मीर किताब का नाम याद होना चाहिए क्या, पंच सिद्धांतिका। आगे बताते हैं कुछ और चीज़ें आपके लिए। आर्यभट्ट डिविएटेड फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोनॉमी एंड गेव इट ए साइंटिफिक अप्रोच। आर्यभट्ट जो है उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को वैदिक तरीके से प्रूफ किया दोस्तों, और इन्होंने इसको साइंटिफिक अप्रोच के तौर पर लिया। और आगे जाकर आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स थे, बारह मीर के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स थे, वो लेटर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, मतलब चाहे वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके एस्ट्रोनॉमर्स हों, और चाहे वो हमारे इंडिया के जो लेटर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन सभी के लिए इन लोगों के द्वारा की गई रिसर्च, इन लोगों के द्वारा की गई डिस्कवरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुई हैं। बात करते हैं कुछ और चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप एंशिएंट इंडिया में चलता था, और एंशिएंट इंडिया क्या दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप चलता है। बात करते हैं अब नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स में कुछ और चीज़ों की। तो मैथमेटिक्स में वैसे तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है, बट उसमें थोड़ा सा आपके लिए बताया हुआ था किस चीज़ के बारे में, ज्योमेट्री एलजेब्रा के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझेंगे सिटी प्लानिंग के बारे में। सो एज़ यू नो कि सिटी प्लानिंग क्या है, तो सिटी प्लानिंग जो है इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन, या जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जब रिसर्च की गई, जब एक्सकेवेशन वर्क किया गया, मतलब खुदाई की गई, तो पता चला है आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। यहाँ के जो पूरे खुदाई करके जो पता चला हुआ है, ये सारी की सारी सिटी मिली हुई हैं, तो इससे पता चला कि उस समय के लोगों को एक मेज़रमेंट, ज्योमेट्री का मेज़र नॉलेज था, इसीलिए ये लोग प्रॉपर तरीके से सिटी प्लानिंग कर पाए।
अब आगे बता रहे हैं आपके लिए कि थर्ड सेंचुरी आते आते ही मैथमेटिक्स जो है ये एक स्टडी की सेपरेट स्ट्रीम बन चुकी थी। और जो इंडियन मैथमेटिक्स है दोस्तों, ये ऐसा माना जाता है कि ये पुराने समय से चला हुआ आ रहा है। अब कुछ और बातें लिखी हुई यहाँ पर कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्टेड इन द सेकेंड सेंचुरी BC। ज्योमेट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट है ये सेकेंड सेंचुरी BC से स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारे एंगल्स ज्योमेट्री में आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे। दिस नॉलेज हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स, तो ये जो एंगल्स थे इनकी हेल्प से, इनके नॉलेज से कंस्ट्रक्शन किया जाता था किसका, अल्टर्स का। जो अल्टर्स बनते थे मतलब जो बेदियाँ बनती थी हवन करने के लिए, जिसमें किंग्स हवन करते थे, तो दोस्तों ये सारी बेदियाँ बनाई जाती थी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो ये बात आपके लिए ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स किस तरह से एंशियंट टाइम पर यूज़ होता था। तो दोस्तों आइडियो भारत कुछ भी नहीं है, बस केवल यही है कि जो भी चीज़ें आज आप यूज़ कर रहे हो वो एंशियंट टाइम पर चलती थीं, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं हम एंशियंट टाइम पर चलते थे। तो आपको बस आपकी आंसर शीट में यही लिखना है कि एंशियंट टाइम पर मैथमेटिक्स हो चाहे एस्ट्रोनॉमी, इनका यूज़ किस तरह से होता था, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है आपके लिए कि यार आइडियो भारत क्या है। कुछ लोगों का मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज आया है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा आइडियो भारत, तो कोई टफ नहीं है, बिल्कुल हिस्ट्री है सिंपल यार, इतना टेंशन नहीं लेना है आपको। बात करते हैं हम लोग आगे, तीन तरह की मैथमेटिक्स में फील्ड होती हैं बेसिकली, एक का नाम है नोटेशन सिस्टम, एक का नाम है डेसिमल सिस्टम, और एक का नाम है यूज़ ऑफ जीरो। न्यूमरल्स जो हैं इनको वेस्ट ले जाया गया कि इनके द्वारा, अरब्स के द्वारा। अरब मतलब जो अरब के लोग थे जो हमारे इंडिया में आए थे दोस्तों, यही अपने साथ न्यूमेरिक सिस्टम को हमारे देश से ले गए, और वेस्ट में जाकर मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जाकर लोगों को इन्होंने ये चीज़ें बताई। और आज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो दुनिया भर को क्या झूठ बोल रही हैं कि सब हमने दुनिया को दिया हुआ है, दैट इज़ न्यूमेरिक्स मैथमेटिक्स। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, दीज न्यूमरल्स रिप्लेस द रोमन न्यूमरल्स। अब ये जो नंबर्स हैं इंडियन नंबर्स, इन्होंने रोमन नंबर्स को रिप्लेस कर दिया। जीरो के बारे में आप जानते हो कि जीरो डिस्कवर्ड हुआ था इंडिया में सेकेंड सेंचुरी BC में। कि थर्ड जो इम्पॉर्टेंट मैथमेटिशियन की बात आप समझ सकते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त के किताब का नाम है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। इन्होंने अपनी बुक में जीरो के बारे में बताया हुआ है कि जीरो एक नंबर है, और उन्होंने ये भी बताया हुआ है जीरो के कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि जीरो को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं विद अदर नंबर। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया हुआ है एलजेब्रा को, और उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है और आपको ये लिखना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट सूर्य सिद्धांत की। सूर्य सिद्धांत भी एक बहुत ही फेमस वर्क है। किसका वर्क है ये? सूर्य सिद्धांत का कंसेप्ट दोस्तों दिया है किसने? बारह मीर ने। तो आपको MCQs के फॉर्म में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सूर्य सिद्धांत, तो द आंसर इज़ बारह मीर। तो बारह मीर जो हैं उनकी किताब का एक और नाम है बृहद संहिता। उन्होंने 6th century AD के आसपास एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। जो बारह मीर की थ्योरीज़ हैं वो बताती हैं कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये मून है ये अर्थ का चक्कर लगाएगा, और जो अर्थ है वो चक्कर लगाएगी इसकी सन की। तो इस तरह से उन्होंने ये डिस्कवरीज की हुई थी उस टाइम पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सारा आपके लिए ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स मेडिसिन। देखिए मेडिसिन आप जानते ही हैं कि आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेडिसिन का, लेकिन ये जो मेडिसिन का यूज़ है ये दोस्तों एंशियंट टाइम में भी होता था। तो एंशियंट टाइम की कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अब। तो क्या लिखा हुआ है कि अथर्ववेद जो है, आप समझते हैं कि इन द हिंदू धर्म देयर आर 4 वेदास, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो ये जो वेद हैं दोस्तों, इन वेदों में अथर्ववेद जो है इसमें बताया हुआ है डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में, और साथ में मेडिसिन भी ये अथर्ववेद में दी हुई हैं कौन सी मेडिसिन कौन से पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए यूज़ होती है। तो फीवर हो गया, कफ हो गया, बाउंस, लेप्रोसी, ऐसी कई तरह की बीमारियाँ थी जो एक्सप्लेन की हुई हैं इन द अथर्वेदा। तो ऐसा माना जाता है कि जो बीमारियां हैं, मतलब ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ है, और ऐसा कई तरह के ऑर्थोडॉक्स लोग उस समय मानते थे कि जो बीमारियां हैं वो दानवों के आत्माओं के जब बॉडी में एंटर होते हैं, मतलब लोगों की बॉडी में जब दानव और आत्मा एंटर होती हैं तब लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा मतलब उस समय की परसेप्शन था, उस समय की थिंकिंग थी। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। द पीरियड ऑफ रेशनल साइंस स्टार्टेड फ्रॉम 600
BC। रेशनल साइंस मतलब जो तार्किक विज्ञान, ये शुरू होता है 600 BC से। अब दोस्तों आप समझते ही हैं 600 BC का मतलब क्या है। 600 BC दोस्तों जो टाइम पीरियड है, उस समय इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 महाजनपद। तो उस समय कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी थे, जैसे तक्षशिला, वाराणसी जो है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे किस चीज़ के लिए, एक तो एजुकेशन के लिए, सेकेंडली मेडिसिन एजुकेशन के लिए। टू इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट उस टाइम पर दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मतलब दो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ बोल सकते हैं आप, किताब बोल सकते हैं, लिखी गई इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एंड दीज बुक्स वर चरक संहिता। चरक संहिता मतलब जिनको चरक ने लिखा है, और सुश्रुत संहिता जिसको आचार्य सुश्रुत ने लिखा हुआ है। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद डॉक्टर आप बोल सकते हो इनके लिए। हाउ इम्पॉर्टेंट दीज टेक्स्ट वर कैन बी अंडरस्टूड, अब आगे लिखा हुआ है कि इन टेक्स्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट थे, बिकॉज इन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया हुआ है इनटू डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड दीज टेक्स्ट रीच्ड सो मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड लाइक चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो ये आपके लिए बताया हुआ है कि कितनी इम्पॉर्टेंट था हमारे यहाँ एंशियंट टाइम पर मेडिसिन सिस्टम, या जिसको आप बोलते हो आयुर्वेद। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए बताता हूँ जो चरक संहिता है उसके बारे में दोस्तों, सुश्रुत संहिता है उसके बारे में दोस्तों। तो सुश्रुत संहिता के मैं बताया हुआ है सर्जरी के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत जो थे, ये बहुत ही बड़े, बहुत ही फेमस उस टाइम के सर्जन थे। तो सर्जरी जो है एक सेपरेट स्ट्रीम की तरह यूज़ होने लगी इन द 4th century AD इन इंडिया। सुश्रुत जो है सर्जरी के बारे में इनको जाना जाता है, जैसे मैंने आपके लिए बताया, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। इनको मेडिकल इक्विपमेंट की नॉलेज थी कि कौन से पर्टिकुलर इक्विपमेंट से किस तरह की सर्जरी की जाती है। एंशियंट टाइम पर इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, चाहे वो नोज़ हो, ईयर हो, लिप हो। सुश्रुत ने 760 प्लांट्स को मेंशन किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट, कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांट्स किस तरह के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसके अलावा दोस्तों, चाहे प्लांट की रूट्स हों, बार्क हों, फ्लावर हों, लीव्स हों, इन सब का ये यूज़ करते थे। इसके अलावा बताया हुआ है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों ही ऐसी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जिस वजह से जो इंडियन मेडिसिन है, जो आज आप मॉडर्न मेडिसिन देखते हैं, जो एलोपैथी देखते हैं, ये बढ़कर सामने आई। तो ये दिया हुआ है आपके लिए मेडिसिन के बारे में, मेडिसिनल एजुकेशन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट, दैट इज़ मेटलर्जी। अब दोस्तों मेटलर्जी क्या होता है, आपने सुना होगा मेटल्स के बारे में, तो दैट इज़ काइंड ऑफ मेटलर्जी। तो क्या लिखा हुआ है कि हमारे देश में पुराने समय में चाहे बर्तन हो, चाहे ब्रॉन्ज धातु हो, चाहे कॉपर धातु हो, इन सबसे दोस्तों कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। इट मीन मेटल्स के जो प्रूफ हैं हमारे देश में वो मिलते हैं, और मेटल्स के प्रूफ दोस्तों जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से मिले हुए हैं। जो वैदिक पीपल थे वो सीरियल्स और फ्रूट्स मतलब अनाज और फल के बारे में जानते थे। लेदर का काम होता था, डाइंग का काम होता था। 1st century आते आते मेटल्स में, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अलॉय, और हम बात करें ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब का यूज़ होने लगा लार्ज स्केल पर। अगर आपने सुना होगा दिल्ली में कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर यानी कि लो स्तंभ, तो ये जो पूरा आयरन पिलर है, इसको जब आप देखते हैं, इसके बारे में जब आप समझते हैं, तो आप जान सकते हैं कि कितना हाई क्वालिटी का अलॉय इसमें यूज़ किया होगा, सो दैट इतने साल निकलने के बाद भी दोस्तों कुतुब मीनार का ये जो पिलर है, आयरन पिलर है, एज इट इज़ बना हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंशियंट टाइम पर अल्काली और एसिड का भी यूज़ होता था टू मेक द मेडिसिंस। ये जो टेक्निक थी ये यूज़ होती थी कलर्स में और डाइज में, मतलब एसिड्स और अल्काली का यूज़ कलर्स और डाइज बनाने में भी किया जाता था। सिमिलरली अजंता जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो केव्स हैं, ये पता चलता है कि एंशियंट टाइम पर कलर्स का भी यूज़ होता होगा। जो पेंटिंग्स हैं अजंता की, वो आज भी दोस्तों ऐसा लगता है जब आप वहाँ देखेंगे कि बिल्कुल अलाइव हो, मतलब जीवित पेंटिंग्स। अब लास्ट पॉइंट आपके लिए बता रहा है यहाँ पर कि 2 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज का स्टैचू भगवान बुद्ध का मिला हुआ है फ्रॉम द सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज कहाँ है, नियर भागलपुर इन बिहार स्टेट। तो दोस्तों ये आपको मेटल का एक पॉइंट ध्यान आप रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए मैं जो भी कंटेंट आपको लेकर आता हूँ बहुत शॉर्ट लेकर आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका बस काम हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बात करते हैं लास्ट पॉइंट के, दैट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीन है द कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर हैज़ फोर्स्ड पीपल टू स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसे यूज़ हुआ, ज्योग्राफी जो स्ट्रीम है, जो ब्रांच है, कैसे यूज़ होने लगी, तो मैन और नेचर का जो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट है, इसके वजह से ज्योग्राफी की स्टडी
शुरू हुई। आगे बताया हुआ है आपके लिए कि इंडिया में लोग जो हैं वो फिज़िकल ज्योग्राफी से तो ऑलरेडी अवेयर थे ही। इंडियंस जो हैं इन्होंने शिप बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ऑल दो ट्रबल्स एंड शिपिंग बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी एंशियंट टाइम पर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एंशियंट टाइम पर सिल्क रूट था और उसके वजह से हम दुनिया भर में ट्रेड करते थे। बोट के रिमेंस मिले हुए हैं दोस्तों, तो इससे प्रूफ होता है कि बोट जो है उसका भी यूज़ होता होगा एंशियंट टाइम पर। और बोट के प्रूफ कहाँ से मिले हैं? ऑफकोर्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस साइट का नाम है लोथल, और जो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। के लिए जय हिंद, जय भारत।